एक ऐसी जगह जहाँ पर रात में आंखें खोलना मना है, यहाँ पर आना भी मना है। यहाँ जो रात में होता है वो अगर कोई देख लेता है तो उसकी मौत हो जाती है, या तो वह पागल हो जाता है या अंधा हो जाता है। इसीलिए इस जगह पर रात में जो होता है उसका आज तक कोई भी गवाह मौजूद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की ये फोटो आपने इंटरनेट पर कई बार देखी होगी। कई लोग दावा करते हैं कि ये श्री कृष्ण की वृंदावन में ली गई असली तस्वीर है, और जो लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो इस तस्वीर पर आंखें बंद करके भरोसा भी कर लेते हैं। लेकिन उस समय तो ना कैमरा हुआ करता था ना ही मोबाइल होता था, तो फिर भगवान श्री कृष्ण की ये तस्वीर आखिर कैसे ली गई? तो बिल्कुल सही समझे हो, आज हम बात करने वाले हैं वृंदावन के निधि वन के बारे में। वृंदा का मतलब होता है तुलसी, और इस वन में तुलसी के बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसे तुलसी का वन यानी वृंदावन कहा जाता है। ये एक पवित्र धार्मिक स्थल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भारत की एक रहस्यमयी जगह भी है। इस जगह के बारे में कई अनोखी और रहस्यमयी कहानियां कही जाती हैं। कई लोग मानते हैं कि आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी हर रात को यहाँ पर आते हैं, और जो इनको देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखने वाले की जान ले लेते हैं? क्या वाकई में रात के समय यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं, या फिर इस जगह के बारे में बताई गई बातें पुजारियों के द्वारा भक्तों को लूटने के लिए बनाई गई कहानियां मात्र हैं? तो देखो भैया, इस जगह के बहुत सारे राज हैं जिन पर से आज हम पर्दा उठाएंगे, और साथ ही जानेंगे इस तस्वीर का असली सच। तो भैया इस वीडियो को पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद ही कोई राय बनाना, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम जगन्नाथपुरी के ऊपर एक वीडियो बनाया था तो लोगों ने बिना पूरी वीडियो को देखे, बिना उसका कॉन्सेप्ट समझे, मेरी कही हुई बातों को अपने दिल पर ले लिया था। क्योंकि भैया हर इंसान की सोच में और सच्चाई की खोज में फर्क तो होता ही है। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो चलते हैं वृंदावन में और जय श्री कृष्ण बोल के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। इंटरनेट पर कई लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण की असली तस्वीर है। हालांकि समझदार लोग इन तस्वीरों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो अच्छे से समझते हैं कि उस समय पर ना मोबाइल होता था ना ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा किसी की तस्वीर ली जा सके। और अगर मैं आपको धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो भैया भगवान को अपनी भौतिक आंखों से देखना भी संभव नहीं है, उसके लिए आपको हृदय की आंखें चाहिए। तो ये तो मात्र एक कैमरा है, ये भगवान की तस्वीर कैसे ले सकता है? तो ये जो तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है ये है आनंदमयी माँ की फोटो। ये एक भारतीय संत और योग गुरु थी। ये तस्वीर उन्होंने किसी को धोखा देने या मिसगाइड करने के लिए नहीं खिंचवाई थी, वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। हाँ, लेकिन उनकी इस तस्वीर का इस्तेमाल इंटरनेट पर गलत तरीके से जरूर किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं निधि वन के बारे में। ये जगह यमुना नदी के पास में स्थित है, काफी सुंदर जगह है, और यहाँ की खास बात है यहाँ पर तुलसी के बड़े बड़े ऊंचे वृक्ष हैं। जनरली हम लोग जो घर में तुलसी लगाते हैं वो काफी छोटे साइज की होती है, लेकिन यहाँ पर आपको तुलसी के वृक्ष मिलेंगे, मतलब लिटरली बड़े बड़े पेड़। लेकिन ये बात इस जगह को रहस्यमय नहीं बनाती। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात तो ये है कि लोगों द्वारा माना जाता है कि ये जो पेड़ है ये गोपियां हैं जो रात में अपना असली रूप ले लेती हैं। जब रात के समय श्री कृष्ण इस वन में प्रकट होते हैं तब ये पेड़ अपने असली रूप में मतलब गोपियों के रूप में आ जाते हैं। हालांकि शाम ढलने के बाद निधि वन में जाना अलाउ नहीं है। जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं उनका ये मानना है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी सभी गोपियों के साथ यहाँ पर रास लीला रचाते हैं, और इसीलिए रात के समय यहाँ पर भक्तों का आना मना है। देखो ये तो खैर कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन एक चीज है जिसका लोग अभी तक गलत मतलब निकालते आ रहे हैं, और वो है रासलीला। 99% लोग रासलीला को एक गलत नजरिए से देखते हैं थैंक्स टू बॉलीवुड, क्योंकि भैया रासलीला शब्द की जो इमेज हमारी नजरों में खराब की गई है उसका पूरा श्रेय ये टीवी सीरियल वालों को और बॉलीवुड को जाता है। खैर जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ रासलीला का असली मतलब क्या है। रासलीला का मतलब होता है अपने आराध्य को, मतलब जिसको आप पूजते हो उसे प्राप्त करने की इच्छा रखना, और ये इच्छा पूरी तरह से वासना रहित होती है। मुझे मालूम है मैंने कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी बोल दी है, तो थोड़ी सी और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। भगवान और भक्त का जो साक्षात्कार होता है जो रास के रूप में मतलब नृत्य के रूप में होता है उसे कहा जाता है रासलीला। खैर इसको मैं अब और ज्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा, अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हो तो आप इंटरनेट पर जाकर इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है इंटरनेट पर, बस आपके सर्च करने की देरी है।
इस जगह पर झाड़ियों के बीच एक छोटा सा महल है जिसकी छत के नीचे श्री कृष्ण के लिए सूर्यास्त के बाद भोग रखा जाता है। दातून रखी जाती है, पान, लड्डू, भोजन, बिंदिया, चूड़ियां और श्रृंगार के सामान का भोग लगाया जाता है। सुबह जब मंदिर के कपाट अर्थात दरवाजे खोले जाते हैं तो ये सारा सामान इधर उधर बिखरा मिलता है। यहाँ पर चबाया हुआ दातून, पानी का खाली लोटा, आधा खाया हुआ पान और थोड़े से खाए हुए लड्डू मिलते हैं। इन सब चीजों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए हों और उन्होंने इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया हो। यहाँ पर जो तुलसी के बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं जिन्हें भक्तजन गोपियां मानते हैं, उनकी शाखाएं भी अजीब तरीके से बढ़ती हैं। ये शाखाएं ऊपर की बजाय नीचे की ओर जाती है। निधि वन के पास में ही जो घर बने हुए हैं, कहा जाता है कि उनमें खिड़कियां नहीं होती और जिन घरों में खिड़कियां भी हैं उन लोगों ने उन खिड़कियों को बंद कर रखा है ताकि रात के समय गलती से भी निधि वन में होने वाली रासलीला उन्हें दिखाई ना दे जाए, क्योंकि अगर वो ये रासलीला होते हुए देख लेते हैं तो हो सकता है वो भी अंधे हो जाएं या उनकी जान चली जाए। अब ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, ये बहुत सारे YouTube वीडियोस ने बता रखी हैं। इंटरनेट पर भी निधिवन के बारे में यही सब बताया जाता है, लेकिन रियलिटी काफी अलग है। निधि वन का जो जंगल है वो काफी ज्यादा सिकुड़ चुका है, मतलब खत्म होने वाला है। पहले के जमाने में ये जंगल काफी ज्यादा फैला हुआ था, हरा भरा था, लेकिन अब पॉल्यूशन की वजह से, आसपास होते हुए कंस्ट्रक्शन की वजह से ये एक काफी छोटे से एरिए में ही सीमित रह गया है। और इस जंगल को यहाँ की बाउंड्री वॉल ने बचा कर रखा है क्योंकि इसके आसपास तीन तीन मंजिला इमारतें बन चुकी हैं और उन इमारतों में खिड़कियां भी हैं और वो खिड़कियां खुली भी रहती हैं। आप किसी भी इमारत की छत पर जाकर आराम से देख सकते हो कि वृंदावन में अंदर क्या चल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। ये हमारा घर है और ये निधिवन है। वैसे तो हम आंगन में यही रहते हैं तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। हम बेशक छत पे भी सोए हैं रात्रि में कभी कभी, लेकिन हमने कभी रात्रि में 12 बजे के बाद निधिवन में झांकने की कोशिश नहीं की। अच्छा, ये तो था दिन का वीडियो। रात के समय भी कुछ लोग रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। उन लोगों ने यहाँ पर पूरा वीडियो बनाया, उन्हें कोई रासलीला होते हुए दिखाई नहीं दी और ये सभी लोग ना अंधे हुए ना बहरे हुए और ये लोग अभी तक जिंदा भी हैं। और इनके द्वारा बनाई गई वीडियो आप अभी देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर और आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो देखो, अब मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह के बारे में कुछ चीजें सच होती हैं और कुछ चीजें झूठ फैलाई जाती हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब आज के जमाने में, इस कलयुग में, जब लोगों का भगवान पर से विश्वास उठता जा रहा है, लोगों के मन से अपने कर्मों का डर खत्म होता जा रहा है, गैर धर्म के लोग हिंदू धर्म के देवी देवताओं को काल्पनिक बताते हैं, ऐसे समय में तो यहाँ वृंदावन में CCTV लगाना चाहिए, यहाँ का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया देख सके कि भगवान श्री कृष्ण है, ताकि जो लोग भी हिंदू धर्म के ऊपर या भगवानों के ऊपर उंगली उठाते हैं उनका मुंह बंद हो जाए, बुरे काम करने वालों के मन में भगवान का डर बैठने लगे। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ किया नहीं जाता, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में भगवान को सिर्फ वहीं पर जिंदा रखा जाता है जहाँ पर पंडितों की दुकानदारी चलती है। देखो, मैं भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जहाँ पर भगवान के नाम पर हमें बेवकूफ बनाया जा रहा हो उस जगह पर तो हम कम से कम सवाल उठा सकते हैं। क्या श्रद्धा के नाम पर हमेशा हर जगह बेवकूफ बनना जरूरी है? देखिए, जिसको ईश्वर में विश्वास है उसे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसे कितने भी सबूत दे दो वो विश्वास नहीं करेगा। तो हमें समझना चाहिए कि आखिर भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या हम वाकई में उनकी कही गई बातों को अपने जीवन में उतार रहे हैं? क्या हमारे धार्मिक स्थल केवल लोगों के द्वारा बनाई गई कहानियों के आधार पर ही चलते हैं? क्या केवल नारियल फोड़ना, अगरबत्ती लगाना, पूजा पाठ करना केवल यहीं तक सीमित है आपकी जिम्मेदारी? जो संदेश वो देना चाहते हैं, जिस तरीके से जीवन जीने के लिए वो आपको प्रेरित करना चाहते हैं, क्या हम आज के जमाने में उनकी बातों का अनुसरण कर भी रहे हैं या केवल हम धर्म के नाम पर दिखावा कर रहे हैं? आप मुझे खुद बताइए, किस चीज की इम्पोर्टेंस ज्यादा है? रामायण असलियत में हुई थी या नहीं हुई थी, इस बात के साइंटिफिक सबूत ढूंढने का महत्व ज्यादा है, या फिर रामायण में हमें जीवन जीने का जो संदेश दिया गया है, हमें जो सीख दी गई है उसे अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को बेहतर बनाने का इम्पोर्टेंस ज्यादा है? तो अगर हम रामायण से कुछ बात सीख कर अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं तो हम स्वयं रामायण के अस्तित्व के एक सबूत बन जाएंगे, हमें किसी और सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली आज का ये निधिवन से रिलेटेड वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि इंटरनेट पर निधिवन से रिलेटेड जितने भी वीडियो अवेलेबल है उनमें वही घिसी पिटी पुरानी बातें आपको बताई गई है, जिनमें से की आधी बातें लोगों द्वारा मनगढ़ंत फैलाई गई है जिनका सच्चाई से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है।
और ये बात आप भी मान के चलिए कि हमारे जीवन में अंधविश्वास ने इतनी गहराई तक जड़ें जमा ली हैं कि हमें अब उसे उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा धर्म, हमारे भगवान, हमारे मंदिर, हमारे धार्मिक स्थल केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है जो पंडित पुजारियों द्वारा फैलाई गई कहानियों के आधार पर चलते हों। इनका एक विशेष महत्व है, इनसे मिलने वाली एक विशेष सीख है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। देखिए, मुझे मालूम है कि ये टॉपिक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है और मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो में एक सही मैसेज देने की ही कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कही गई किसी बात से बुरा लगा है तो मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूँ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो, इसमें कही गई बातें पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, इसे किसी न किसी के साथ शेयर जरूर करना है और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।